आज के इस वीडियो में हम आपके सबसे मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सारे बच्चों की है, सर केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है या फिर सर जो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम है इन्हें हम कैसे सॉल्व करें सो दैट जो मैक्सिमम मार्क्स हो वो हमें ज़रूर से ज़रूर मिल सके। देखो आप सबको बोल दूँ, ये वो राइट टाइम है जब मैं आपको ये चीज़ें बता सकूँ। रीज़न बहुत ही सिंपल है, आज आपने शाम 8 बजे तक बिजनेस लॉ पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आप सबको बोल दूँ, केस स्टडीज हो चाहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सर वो समझ तभी आनी है जब कोर्स असिस्ट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो। तो आज रात 8 बजे तक आपने सबने कोर्स कंप्लीट कर लिया, सबने वापस से वीडियो में आके मुझे बताया सर टास्क कंप्लीटेड, और जो आपके लिए भी आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर कैसा लग रहा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जरा बात करते हैं हम अपने केस स्टडीज की। जब भी बिजनेस लॉ में ये वर्ड आता है ना तो दिमाग में पंगा हो जाता है, सर अब तो बैंड बजनी है, सर केस स्टडीज या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो सत्य घटनाओं पे आधारित है, इनका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो सर जो चीज़ बताऊंगा वो दिमाग में सेट करनी है। सबसे पहले कुछ आपने बैरियर क्रिएट कर रखे, उनमें सबसे बड़ा बैरियर सर एंट्री बैरियर है। वो क्या है सर, अगर आपसे ये पूछा गया व्हाट डू मीन बाई कॉन्ट्रैक्ट, आप मस्त लिखोगे। अगर आपसे बोला गया डिफरेंस बिटवीन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आप अभी भी अच्छा लिखोगे। अगर आपसे बोल दिया गया डिफाइन अनपेड सेलर, आप अब भी अच्छा लिखने वाले हो। अगर आपसे बोला गया माइंड की पोजीशन क्या है इन पार्टनरशिप, आप अभी भी बढ़िया लिखोगे। आप इमेजिन करो मैंने जो भी टॉपिक बोले हैं, सच बताना कमेंट सेक्शन में क्या आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आप बढ़िया लिखोगे। बट आपने एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर रखा है, नहीं भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ना हमसे नहीं होने वाली, केस स्टडी अरे भाई हमारे बस की नहीं है। तो मैं आप सबको बोलूं केस स्टडी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, क्योंकि केस स्टडीज में ऑल दो आंसर लिख के देता है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करनी। मुझे जरा बताओ अगर आपका दोस्त आपसे इस बारे में बात करे कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, थोड़ा ज़्यादा फनी नहीं हो गया, बट ठीक है ले लेते हैं ना यार। चलो अगर वो आपसे ऐसा बोलता है तो आप क्या करने वाले हो, आप उसे एक मस्त सजेशन दोगे। रीज़न क्या है सर, राय बहादुरों की भारत में कमी नहीं है, आप उसे बढ़िया से राय दोगे, भाई देख ऐसे कर ले ऐसे कर ले ऐसे कर ले, ये चीज़ें हो जाएंगी। क्यों सर, आप राय देने में सबसे आगे हो, क्योंकि आप उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से लेते हो, वहाँ एक फन का पार्ट होता है, आप उसको फन लेवल पर लेते हो, आप मस्त सॉल्व करते हो उसकी प्रॉब्लम को। अब बात आती आपके बिजनेस लॉ की, जरा देखो अभी बिजनेस लॉ में भी क्या हो रहा है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमने एंट्री बैरियर क्यों क्रिएट किया पता है, एंट्री बैरियर के साथ साथ साइकोलॉजिकल बैरियर भी है कि क्वेश्चन बड़ा दिख गया। शुरू में जो मैंने 5 क्वेश्चन बोले, व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन डिफरेंसेस, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है ना, वो देखते हैं हो जाएगा। बट अभी ना वो एक एक लाइन का क्वेश्चन था और ये बड़ा पैराग्राफ हो गया, और जैसे बड़ा पैराग्राफ हुआ भाई तबाही मचा दी, कहते भाई साहब हमारे बस की नहीं है। और मैं आपको बोलता हूँ ये वो टॉपिक है, मुझे एक बात बताओ सामने वाले दोस्त ने आपसे क्या करा, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर करी तो आपने अपनी राय दी ना, यहाँ पे भी सेम है। और वो सीए कैसा जो प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाए, तो समझना अब यहाँ पे लिखी है प्रॉब्लम, ठीक है जी, ये बड़ा सा क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन आज टेलीग्राम पे दे भी दूंगा जिसे आप प्रैक्टिस कर पाओ। फिर एक पैराग्राफ चेंज किया गया और बोला गया कि भैया जरा बताओ इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, हम ना यहाँ नहीं हिट करने वाले, हम इसको सबसे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि ये वो लाइन है जो आपसे क्वेश्चन के बारे में बात कर रही है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं जहां हमें समझ आता है कि पंगा हस्बैंड और वाइफ के बीच है, तो हमारे दिमाग में फट से कौन सी बात आती है, सर ये बल्फर वर्सेस बल्फर हो सकता है अगर यहाँ पर कोई लीगल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है तो। लेकिन हम यहाँ हिट नहीं करेंगे क्योंकि हस्बैंड वाइफ के नाम बदलने ही है बार बार, वो बल्फर वर्सेस बल्फर नहीं करने वाले। एग्जांपल वो यहाँ पे बोल देते हैं आपसे कि जरा बताइए इनके बीच सिनेरियो क्या है, आसान है, यकीन मानो केस स्टडी बहुत आसान है। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला वो क्या, इंट्री बैरियर खत्म कर दो। इंट्री बैरियर क्या है कि केस स्टडी मुझसे नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका आंसर लिखना उतना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो खुद ब खुद सारे राज खोल देगा। हाँ सच बात है। अब देखो ये हो गया, अब सेकेंड पार्ट आता है सर बॉटम से स्टार्ट करेंगे, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना प्रैक्टिकली हमें ये नहीं करना है, पहले हमें ये पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इससे क्या आइडेंटिफाई होगा जो हमारे 5 मेजर एक्ट हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन बना है, क्लियरली लिख के देगा यूनियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP कंपनी, LLP से तो वैसे भी नहीं कई चीज़ें नहीं बननी यार, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जो शुरू के तीन मैंने बोले ना, कंपनीज नहीं, कंपनी से बहुत ज़्यादा बहुत मतलब रेयर है, बन सकता है, ऐसा नहीं बोलो नहीं बनेगा, बट जो ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखो उन्हें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट को रखो, क्योंकि इनसे ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंपनी और LLP के साथ पंगा क्या, वो स्ट्रेट है, जिनमें चीज़ें स्ट्रेट है वहाँ पे क्वेश्चन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनने के चांस थोड़े कम होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बनता नहीं है, बट हम जब अप्रोच रख रहे हैं प्रिपेयर करने की, तो हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी वो चैप्टर जो आज होनी चाहिए, और ये हम कब तक करेंगे। लॉज खत्म कर लेना है तो रात 10 बजे जो आपका टास्क है बड़ा सिंपल है, और अब तक मेजॉरिटी समझ चुकी होगी कि 10 बजे से लेके मॉर्निंग 1 बजे तक टाइम ज़्यादा तो नहीं है, और है तब भी करो यार, इसको आज हमें फिनिश करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। और सोचो जरा अगर आप 10 से 1 बैठे आज तो क्या होगा, 3 घंटे की एक ज़बरदस्त स्टडी होगी। इसमें आप क्या करोगे, जितने पेपर मैं आज आपको टेलीग्राम पे दूंगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ पेपर बैठ के सॉल्व करो, ऑल्दो आपने कल से लेके आज तक में बहुत सारे पेपर लिखे हैं, और जो समझो अगर आप पेपर लिख रहे हो ना, आप पेपर रिटर्न में प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका रीज़न ये था मैं चाह रहा था आप सारी चीज़ लिख के प्रैक्टिस करो। अब अगर लिख के प्रैक्टिस हो चुका है तो एक अप्रोच तो माइंड में बड़ी अच्छी से क्लियर है, लिखना आपको आ गया है, अब क्या आज जो क्वेश्चन मिलेगा और जिसके साथ आंसर मिलेगा उन दोनों को मैच करना है, क्वेश्चन बॉटम से रीड करना है, फिर मिड में जाना है, और हमें पेंसिल की हेल्प से, हालांकि मोबाइल में नहीं करना, मोबाइल ख़राब हो जाएगा, पेपर के लिए बता रहा हूँ, जब आपके पास पेपर होगा तो हमें पेंसिल की हेल्प से उस लाइन को सर्कल में ले लेना है क्वेश्चन पेपर में, जिससे हमें लगता है कि हमारा आंसर मूव करेगा। सच बता रहा हूँ बहुत आसान होगा। इमेजिन करो एक क्वेश्चन बनता है जहाँ पर आपसे पूछा गया अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आपने रीड करा तो आपको लगा कि भाई ये इस बंदे को कहीं ना कहीं विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहा है, या ये इस बंदे से ज़बरदस्ती कंसेंट ले रहा है, फ्री कंसेंट नहीं है, और क्वेश्चन बना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, आंसर साफ है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और हमको कहीं ऐसा लग गया किसी माइनर की बात की जा रही है, तो दिमाग में फट से आएगा भाई मोहरी व्यूअर से धर्मोदास घोष अप्लाई होगा यहाँ पर, और हम आराम से आंसर लिख जाएंगे। तो अगेन बोल दूँ, केस स्टडी करने के लिए सबसे पहला पार्ट है वो यही है, एंट्री बैरियर हटा दो कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, और सेकंड नंबर पे बॉटम से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन किस एक्ट से है, माइंड मेकअप कर लिया, क्योंकि आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे एक्ट से मैंने बता दिए हैं, तो आपको अगर टॉपिक पता है तो उससे रिलेटेड अगर आपने ढूंढा, पेंसिल से अंडरलाइन करना, ये ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन रीड करने से पहले हमें पहले मेजर पार्ट पे जाके उसे सर्कल कर लेना है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, और जैसे बात समझ आ जाए फिर आंसर पर आ जाना है। तो आज क्या करना है, रात 10 से 1 मतलब साफ है 11 बजे तक आपको कुछ आंसर मिल जाएंगे विथ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन दूंगा फिर आंसर दूंगा, फिर क्वेश्चन दूंगा फिर आंसर दूंगा, पॉसिबल है 2 से 3 पेपर मिल जाए आपको आज ही, और ये पेपर जब आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे आपका सिंपल सा टास्क है, इसमें रिविजन टेस्ट पेपर भी होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पेपर लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, और यस हम कैसे करने वाले हैं, सारे पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की बॉटम लाइन देखेंगे, मिड में वो वर्ड आप क्योंकि लाइक मोबाइल फोन में आप सर्कल नहीं कर सकते ना, बट आप क्या कर सकते हो कॉपी में क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो वर्ड लिख लिया, इस वर्ड से क्या मेरा आंसर बन सकता है, सीधे आंसर सॉल्यूशन पर मत देखना, पहले क्वेश्चन पेपर देखना, अपने दिमाग में वो वर्ड लिखना, फिर वो सॉल्यूशन ब्रेक मिलना कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, मजा बहुत आएगा आपको। तो ये काम आज कर लो, कल की मॉर्निंग कोई और सब्जेक्ट नहीं टच करेंगे, सुबह 7 से 10 मैं BCR से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको बताने वाला हूँ कैसे कवर करना है, क्योंकि टॉपिक तो मैं आपको और दे रहा हूँ, मेरी एक फैकल्टी से बात हुई, वेल नोन फैकल्टीज हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, सामने से उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने मेरे साथ बातें करी कि सर क्या बिजनेस लॉ में उनको रेफर कर सकता हूँ, तो मैं अभी उनसे एक फाइनल कॉल करूँगा मॉर्निंग में, उनसे बात करूँगा, फिर जैसा होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, और आप लोग को सिंपली BCR कवर कर लेना है। तो आई विश कि आप चीज़ समझ रहे हो, आज अगला 3 घंटा हम देने वाले उन दिक्कतों को जो हमें बहुत बचपन से परेशान कर रही। अच्छा एक और बात के बारे में जल्दी से बात कर ले, तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं सर पढ़ तो रहे हैं बट याद नहीं हो रहा, सर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं बट चीज़ें याद नहीं रह जा रही। मेरे भाई ठहरो ठहरो, ये ना सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ है, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्योंकि आप कॉन्टेंट पर नहीं आप एग्जाम्पल पर ध्यान देते हो, बट बिलीव मी जब आप पेपर लिखने बैठोगे आपको चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन अगेन ये वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आज 10 से 1 में 3 घंटे में भर भर के एक्सपेरिमेंट करो। आपके पास अराउंड 3 पेपर होंगे, RTP होगी, मोस्ट टेस्ट पेपर होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होगा,
तीन ही कैटेगरी है आईसीआई के थ्रू, वो तीनों आपके पास होगा विथ क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन रीड करना है, कॉपी पे उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग हिंट लिखना है कि इसका आंसर इस टॉपिक से होना चाहिए, फिर उसी क्वेश्चन के आंसर में जाना है और देखना है क्या आप सही निकले कि नहीं निकले, और मेजॉरिटी सही जाओगे, चिंता मत करो। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि सर मुझे सिर्फ 40 मार्क्स मिल जाए तो ओके रिपोर्ट है, कुछ एक नए बच्चे जो आज फैमिली से कनेक्ट हुए हैं उनके कमेंट्स, उनके इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आए कि सर ज़्यादा नहीं 40 दिला दो, मैं बाकी सब्जेक्ट में कवर कर लूँगा। मेरे भाई उनसे कहना चाहूँगा 40 तो ऐसे मिल जाएगा, क्या करना पड़ेगा सुनो जरा, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पिछले 3 दिन में बोले हैं वो टॉपिक तैयार करके जाओ, ओपनली बोल रहा हूँ तैयार करके जाओ, मिलेगा लिख के आना और खुशियाँ मनाना। 40 नंबर की तो चिंता ही नहीं ना, हम यहाँ बात कर रहे हैं 80 प्लस जाने की कि हम अकाउंट्स और लॉ में कैसे दोनों पेपर मिला के 160 हिट कर लें, जिससे जो बाकी दो सब्जेक्ट है उनमें मिनिमम भी पाएं तो बहुत फ्लाइंग कलर के साथ मस्त सा पास होकर निकले और बोले यस कर दिखाया, पहला अटेम्प्ट मस्त गया हमारा। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आज रिपीट करता हूँ जल्दी से, केस स्टडीज पेपर में देखनी है, उसके बॉटम की लाइन को पढ़ना है, जो पॉइंट्स पूरे केस में हमें इंपॉर्टेंट लगता है उसको सेपरेटली हमें लिख लेना है, उसके बाद ब्रैकेट में उसका आंसर एज अ हिंट हमें क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए वो लिखना है, फिर उसके मेन पेपर का जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन से हमें मैच करना है, और अगर मैच हो जाए तो समझ जाना कि आपने वो एंट्री बैरियर जो लगा रखा था ना एक साइकोलॉजिकली लेवल पर कि मुझसे नहीं होगा, वो आज सोने से पहले ब्रेक कर देना, एंड प्रॉमिस करो कि आप एंट्री बैरियर आज ब्रेक करने वाले हो। तो चलो मिलता हूं कल मॉर्निंग में, और तब तक के लिए शानदार रहिए, और अगले 3 घंटे आपकी बारी है।